बंशीर घाटी को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। विरोध की जो आवाजें उठ रही हैं वो पंजशीर से ही उठ रही हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे घाटी की, घाटी के बड़े लड़ाकों की और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की, जिसकी वजह से ये अजेय है। काबुल पर पकड़ मजबूत होने के बाद तालिबानी लड़ाके अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बेताब है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर घाटी को अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से पंजशीर में अहमद मसूद की सेनाएं सरेंडर नहीं करेंगी तो उन पर हमला किया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। सिर्फ एक पंजशीर ऐसा है जहां तालिबान की सत्ता नहीं। दरअसल पंजशीर में मौजूद अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तालिबान के लड़ाकों को पंजशीर में जान माल के नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। इकलौता प्रांत पंजशीर ही है जहां तालिबान के खिलाफ पंजशीर के लड़ाके तालिबान से लोहा ले रहे हैं। पंजशीर के शेरों ने तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार किया। पंजशीर का इतिहास बेहद पुराना भी है। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद भी तालिबान के खिलाफ हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे। उन्होंने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अहमद शाह मसूद की हत्या साल 2001 में तालिबान और अलकायदा के लड़ाकों ने की थी। और अब पंजशीर घाटी इतनी फेमस क्यों है और तालिबान के खिलाफ विरोध का केंद्र क्यों बनी, इसकी वजह है पंजशीर की भौगोलिक स्थिति। अफगानिस्तान के सैन्य इतिहास में हर जंग में बड़ी अहम भूमिका निभाई है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे देश के बाकी हिस्सों से लगभग पूरी तरह से काट देती है। इस प्रांत तक पहुंचना किसी भी फौज के लिए आसान नहीं। पंजशीर तक नदी से बने एक दुर्गम पहाड़ी मार्ग से पहुंचा जा सकता है और इसीलिए इसे आसानी से सैन्य रूप से बचाया जा सकता है। अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए मशहूर हिंदुकुश पहाड़ों में बसा यह दुर्गम इलाका 1990 के गृह युद्ध के दौरान भी तालिबान कभी इसको जीत नहीं पाया और ना ही उसके एक दशक पहले सोवियत संघ इसको जीत पाया था। पंजशीर अब तक अफगानिस्तान का आखिरी बचा हुआ होल्ड आउट है, यानी तालिबान अभी तक इस इलाके को अपने कब्जे में ले नहीं पाए। और अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का कहना है कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ मसूद के साथ साले की मुलाकात दिखाई दे रही है और दोनों तालिबान से लड़ने के लिए गुरिल्ला आंदोलन की शुरुआती टुकड़ियों को इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसूद ने अमेरिका से अपने मिलिशिया को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने का भी आह्वान किया है। ऐसी ही जानकारियों और इतिहास के इन्हीं तथ्यों को हासिल करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे।